बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जाहिया, आप देख रहे हैं जॉब ओके यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आप भाइयों के लिए। आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं फ़्लाइट के हवाले से। इंशाल्लाह मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आप भाइयों को बताऊँगा कि सऊदी अरब की फ़्लाइट ऑपरेशन की लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर लाजमी करें। हम चलते हैं जी आज की वीडियो की टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आपको पता होगा काफ़ी अच्छी तरह के लास्ट टाइम जब फ़्लाइट ऑपरेशन की सस्पेंड की गई थी तो आपको पता है कि सऊदी हुकूमत ने क्या फ़ैसला लिया था। जी हाँ, बिल्कुल, आपको पता है कि सऊदी अरब के लिए काफ़ी तादाद में इंडिया और पाकिस्तान और बहुत सी कंट्री से लोग जो हैं इस बात की वेटिंग में है कि कब सऊदी अरब फ़्लाइट का ऐलान करे और उनकी टिकट की रिजर्वेशन जो है वो जारी कर दी जाए। तो आपको पता है कि सऊदी अरब इस बात की बहुत ही संजीदगी से नोटिस लेता है कि कोई भी शख्स फ़्लाइट की जो ब्लैक मेल टिकटिंग का सेल है ना, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। आपको पता है कि जैसे ही सऊदी अरब अनाउंस करेगी और टिकट एजेंसी वाले जो लोग हैं वही टिकट जो है वो ब्लैक में सेल करेंगे और इससे पैसेंजर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरब हुकूमत ने अभी तक फाइनली कोई अनाउंस नहीं किया है फ़्लाइट के हवाले से, लेकिन इस बात का इशारा ज़रूर किया गया है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी आपको बताता हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। और ये मैंने दो तीन दिन इसलिए वेट किया है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो कहते हैं कि भाई आप वाकई झूठ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। तो भाई, इस वीडियो और इसी टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्म किया है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 31 मार्च 2021 को आप नीचे खाली नीचे जो फुल ओपनिंग ऑल किंगडम एयरपोर्ट, इसका मतलब यह है कि ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है सऊदी अरब 31 मार्च 2021 को ओपन कर रहा है। तो मेरा भाई, जब फ्लाइट एयरपोर्ट जब ओपन हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इसका मतलब है कि फ़्लाइट ऑपरेशन भी बहाल कर दिया जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस बात का मैंने जो है उर्दू में भी तर्जमा किया है, मुकम्मल तौर पर रियासत के तमाम हवाई अड्डे खोल रहे हैं। यानी 31 मार्च 2021 सुबह 6 बजे सऊदी शहरियों के लिए और बाद इसके अलावा जितने भी गैर मुल्की जो हैं उनके लिए मुकम्मल तौर पर रियासत के तमाम हवाई अड्डे खोल रहे हैं। तो मेरा भाई, हवाई एयरपोर्ट खोलने का मकसद भी यही है कि फ़्लाइट को परमिशन मिल जाएगी, फ़्लाइट ऑपरेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये फाइनली अनाउंस जो है वो नहीं इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस बात की वेटिंग में है, तो वो फिर टिकटें जो है वो ब्लैक में सेल हो जाती हैं जिससे पैसेंजर तो ख़ास तौर पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द और जल्द जो है वो तमाम भाइयों की परेशानियां अल्लाह पाक दूर करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।